अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कमल शबीर इज़ हियर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल रिव्यू, जो कि है दी वन एवर लास्टिंग साइनिक फाउंडेशन के बारे में। ये ओरिफ्लेम का फाउंडेशन है जो कि मैं पिछले 5-6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। जब ये न्यू लॉन्च हुई थी प्रोडक्ट, तब मैंने इसको परचेज़ किया था। सो अब मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ इसका रिव्यू मस्त शेयर करूँ। ओरिफ्लेम की वैसे तो सब फाउंडेशंस ही मैंने ट्राई की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मेरा फेवरेट दी वन एवर लास्टिंग फाउंडेशन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड है जो कि पहली प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं थी। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसके अलावा इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, इसकी बोतल बहुत अच्छी है। ओरिफ्लेम की फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ या आप सब भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है प्रोडक्ट्स की। सो इसी तरह इस फाउंडेशन की भी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि इसका बेचारा दीवन भी ख़त्म हो गया है। तकरीबन 30 ml इसकी क्वांटिटी है और एक अच्छी खासी क्वांटिटी है फाउंडेशन की जो कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ इस फाउंडेशन की, तो लॉन्ग वेयर है ये, 30 hours तक स्टे करती है ये फाउंडेशन। 30 hours मतलब कि 30 घंटे तक आपके ये फाउंडेशन रिमूव नहीं होती है। आप इसको अपने फेस पर अपने मेकअप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये, आपने इसको अप्लाई किया और उसके बाद आपको फेस वॉश मतलब कि आपको अपने फेस पर पानी अप्लाई करना पड़ा या कुछ भी, तो ये या बारिश आ गई या कुछ भी हो गया तो ये आपके फेस से उतरती नहीं है, ये वाटर प्रूफ है। SPF 30 इसके अंदर ऐड है, यानी कि अगर हम इसको समर सीज़न में भी अप्लाई करते हैं और हमें बाहर जाना पड़ गया या कुछ भी, तो हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहती है सन से। SPF 30 इसके अंदर ऐड है। स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड है जो कि आई डोंट थिंक सो के पहले मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसी यूज़ की है जिसके अंदर स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी ऐड थी। ये फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप है, इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी मतलब कि जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो इसको अप्लाई करते हैं तो ये उनकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, और अगर इनकी स्किन ऑयली है तो ये उनकी स्किन को ऑयली नहीं होने देता। हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे फेस पर स्टे करती है और उसको ख़राब नहीं होने देती, फाउंडेशन की लुक को ख़राब नहीं होने देती। सो इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। इसको मैं ओपन करती हूँ, ये देखें आप, ये मेरे रेगुलर यूज़ की है। इसको मैंने ओपन किया और मैं जस्ट इसका ये मैंने एक ड्रॉप ले लिया इसका, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। जेंटली ये एब्जॉर्ब कर जाता है स्किन के अंदर, ये देखें मैंने इसकी बहुत कम क्वांटिटी अप्लाई की है, लेकिन ये बहुत आसानी से मेरे पूरे फेस पर अप्लाई हो सकती है। इसकी इतनी कम क्वांटिटी प्रोडक्ट की यूज़ की जाती है, ये आसानी से पेनिट्रेट कर गई है और किसी भी तरह की ये बिल्कुल ऑयली सी या कुछ भी ऐसी लुक नहीं दे रही कि लगे कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली वाटर रेजिस्टेंट है और ये ख़राब नहीं करेगा आपके मेकअप को। सो ये मैंने इसके ऊपर पानी अप्लाई किया और ये मेरे पास टिश्यू है। सो ये देखें कि फाउंडेशन रिमूव नहीं हुआ, फाउंडेशन स्टिल मेरे हैंड पर अप्लाई है और पानी यहाँ पर आ गया, ये देखें आप। तो हमारी ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, आप मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं। इस पर मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया और इस पर अप्लाई नहीं किया, तो दोनों हैंड्स का डिफरेंस आपके सामने है। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, दी वन एवर लास्टिंग फाउंडेशन, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को देख सकें। इंशाल्लाह मैं अपना अगला रिव्यू भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।